मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। 7 बजे सोने के लिए का माहौल बनाने के लिए तैयारी करें। 7 बजे तक माहौल बने सोने का तो 8 बजे सोएंगे। और माहौल बनाने में सबसे बड़ी मदद करेगा टीवी का स्विच ऑफ। मेरी तो आपको विनती है कि घर के छोटे बच्चे हैं ना, तब तक केबल कनेक्शन ना लें। छोटे बच्चे जब थोड़े समझदार हो गए हैं तो चलो चलेगा, क्योंकि समझदार होने से मतलब उनको मालूम होना चाहिए कि कहां स्विच ऑफ करना है, तो उस समय थोड़ा चल जाएगा। लेकिन बच्चे जब तक छोटे हैं, साल भर के, 1.5 साल के, 2 साल के, 2.5 साल के, तब तक तो केबल कनेक्शन ऑफ रखें, या केबल कनेक्शन है तो टीवी ऑफ रखें, चले नहीं उनके सामने, नहीं तो वो चालू हो जाएंगे, पोगो देखेंगे, पोगो। हाँ, कार्टून फिल्म देखेंगे। क्यों देखेंगे जान लीजिए, कफ के असर में जो बच्चा होता है, इसको समझाना चाहता हूं मैं, कफ के असर में जब बच्चा होता है तो उसकी कल्पनाशीलता सबसे ऊंची होगी। मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना, ये कफ है जो सम में रहे तो व्यक्ति को बहुत कल्पनाशील बनाएगा, इतना कल्पनाशील और वैज्ञानिक बनाएगा सोच नहीं सकते, बिगड़ेगा तो सबसे बड़ा अपराधी भी बनाएगा उसको। तो बच्चों की कल्पनाशीलता बहुत होती है क्योंकि वो कफ के असर में है, इसलिए हर ऐसी चीज जो उन्हें सोचने में मदद करती है उनको अच्छी लगती है। आपने एक कहानी सुनाई, बच्चे कहानी सुनते हैं ना बड़े मजे से, क्यों सुनते हैं, वो उनकी कल्पनाशीलता में मदद करती है कहानी। आपने कहा एक राजा था, अब इतना कहते ही उनका चालू हो गया दिमाग, आप आगे का वाक्य बोलेंगे उसके पहले वो कल्पना कर लेंगे राजा कैसा है, सिंहासन पर बैठा है कि जमीन पर बैठा है, बगल में रानी है कि नहीं है, सामने वजीर है कि नहीं है, मंत्री है कि, ये तो आपके बोलने से पहले उनके दिमाग में घूम गई पूरी फिल्म। एक राजा था, फिर कहेंगे आगे बताओ, तो आप कहेंगे एक रानी थी, अब रानी के बारे में सब बातें उनके दिमाग में आ गई, फिर आप कहेंगे क्या हुआ, तो दोनों मर गए, खत्म कहानी। अब आप कहेंगे तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग बच्चों को टालने के लिए कहते हैं एक राजा था एक रानी थी दोनों मर गए खत्म कहानी, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जिस समय कल्पना उनकी चलना शुरू हुई आपने कहानी खत्म कर दी। अब आप टालना चाहते हैं उनको और वो कल्पना करना चाहते हैं उस समय, तो आप कहानी को जितना लंबा खींचें उतना अच्छा। मेरा कहना यह है आपको, कहानी को लंबा खींचते जाएं, भले एकता कपूर के सीरियल की तरह से खींचें उसको, इतनी इलास्टिसिटी है एकता कपूर के सीरियल में कि सालों साल हो गए खत्म ही नहीं होते, सास भी मर गई, बहू भी मर गई, एक जनरेशन चली गई, दूसरी आ गई, सीरियल खत्म। ये बच्चों को चाहिए, आप उनकी कल्पनाशीलता को बढ़ाने में मदद करें, माने कहानी जो वो सुन रहे हैं उसको छोटी ना करें, सुनते सुनते सो जाएं तो बहुत अच्छा। और मेरी आपको विनती है कि चुन चुनकर कहानियां सुनाएं उनको। अब आज के जमाने में कैसे बच्चे आपको चाहिए, जैसे चाहिए वैसी कहानी सुनाइए, भगवान महावीर जैसे बच्चे चाहिए तो सुनाइए उनकी कहानी, रोज सुनाइए, सुनेंगे बड़े प्रेम से सुनेंगे, लेकिन कल्पनाशीलता के साथ। आप अगर उनको चाहते हैं कि राणा प्रताप जैसे हों तो सुनाइए उनकी कहानी, लक्ष्मीबाई जैसे हों तो सुनाइए उनकी कहानी, क्योंकि बच्चों की कल्पनाशीलता आपसे ज्यादा बड़ी है ये जान लीजिए। ये अलग बात है कि उनके पास शब्दों का भंडार कम है, शब्दकोश कम है, लेकिन सोचने में वो आपसे आगे हैं। तो शब्द आप दे दीजिए, कल्पनाशीलता उनके पास है, बैठकर वो अपना चित्र बना ही लेंगे। और जिन बच्चों को जितनी लंबी कहानियां आप सुनाएंगे वो उतने ही क्रिएटिव होने वाले हैं, उतने ही क्रिएटिव होंगे। अच्छा वैज्ञानिक बनाना है बच्चों को तो कल्पनाशीलता ऊंची चाहिए, तो अच्छे वैज्ञानिक बनाना है अगर किसी भी बच्चे को तो कल्पनाशीलता ऊंची, तो कहानी उतनी लंबी। अच्छा मैथमेटिशियन बनाना है, कल्पना शक्ति अच्छी चाहिए तो कहानी लंबी, माने लंबी कहानियां सुनाने की आप अपनी आदत डालें तो बच्चों में आएगी, वो कहानी सुनने में इतने मगन होते हैं, फिर उनको टीवी की जरूरत नहीं है, ना पोगो की जरूरत है, ना कार्टून नेटवर्क की कुछ जरूरत नहीं। आप अगर सुना रहे हैं उनको कहानी जिसमें उनकी कल्पनाशीलता रम रही है तो वो बहुत जरूरी है। और फिर मेरी एक छोटी सी आखिरी बात, क्योंकि दूसरी बात के लिए समय कम पड़ रहा है, कि जब बच्चे आपसे कोई सवाल करें तो जान लीजिए वो अपनी कल्पनाशीलता को बढ़ाना चाहते हैं, तब सवाल कर रहे हैं, तो उनके सवाल का जवाब ईमानदारी से दें। जैसे उन्होंने सवाल पूछा कि ये टमाटर का रंग लाल क्यों है, मान लीजिए सवाल पूछा टमाटर का रंग लाल क्यों, अब आपको मालूम नहीं है,
कि टमाटर का रंग सच में लाल क्यों है, तो आप उनको कुछ उल्टा सीधा मत कहें, भगवान ने कर दिया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। आप उनको ईमानदारी से कहें, देख भाई, बेटा या बेटी, मुझे अभी मालूम नहीं है कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, मैं कल पता करके बता दूंगा या परसों पता करके बता दूंगा। बच्चे जब सवाल पूछ रहे हैं तो उनकी कल्पनाशीलता की पूर्ति के लिए पूछ रहे हैं, आप उनको कभी भी गलत जवाब तो दीजिए ही मत। वो कह रहे हैं जी ये चंद्रमा क्यों चमक रहा है सफेद सफेद, और तारे क्यों चमक रहे हैं, और सूरज लाल क्यों दिख रहा है या पीला क्यों दिख रहा है, या ये पत्ते हरे क्यों हैं, ये पीले हो जाते हैं तो ये हरे से पीले कैसे हो गए, ऐसे सवाल वो पूछेंगे। उनके उत्तर पूरी ईमानदारी से दीजिए, तो इसका माने आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े आप उत्तर दे नहीं सकते। और जो आपने कोशिश की उल्टा सीधा, तो थोड़े दिन में जब उनको सच्चाई पता चलेगी तो आपका आदर वो बिल्कुल नहीं करेंगे। उनके गुरुजी ने बता दिया कि ये पत्ता हरा इसलिए था और टमाटर लाल इसलिए हो गया और चंद्रमा इसलिए चमकता है, सूरज इसलिए पीला दिखाई देता है। जैसे ही उनको पता चलेगा तो आपकी इज्जत तो दो कौड़ी की हो गई उनके सामने। वो आपको कहेंगे जी आपने गलत बताया, मेरी टीचर ऐसा बोलती है, तो आपसे हटकर वो टीचर की तरफ चला गया, और टीचर की तरफ गया तो समझ लो बच्चा आपके हाथ से ही गया। जैसे जैसे उसका आकर्षण टीचर के प्रति बढ़ता जाएगा, वो आपके कंट्रोल के बिल्कुल, फिर टीचर जो कहेगी उसको पत्थर की लकीर मानेगा, आप जो कहोगे उस पर कभी भी भरोसा नहीं करेगा। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा बच्चों को बड़ा करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम, तो आप बच्चों के साथ व्यवहार वैसा ही करें जैसा प्रकृति ने उनको स्वभाव दिया है। कफ का, कफ का स्वभाव माने कल्पनाशीलता वाला स्वभाव, कफ का स्वभाव माने इमेजिनेशन, लिमिटलेस इमेजिनेशन, वो सीमा के पार जाके बात करते हैं। आप देखते हैं ना दुनिया के सारे बच्चे परेशान है हैरी पॉटर पढ़ने के लिए, है ना, और आप और मैं सवाल करते हैं जी हैरी पॉटर में रखा क्या है, कुछ नहीं है उसमें, तिलिस्म है, जादुई तिलिस्म है, वो सच्चा नहीं है, लेकिन उनकी कल्पनाशीलता में उनको बहुत आनंद दे रहा है, इसलिए करोड़ों किताबें बिक रही हैं हैरी पॉटर की, आप पसंद करें या ना करें, क्योंकि बच्चे कफ के असर में है, कल्पनाशीलता उस समय सबसे ज्यादा है, तो जादुई बातें, तिलिस्मी बातें, जादूगर की बातें, ये सब उनको अच्छी इसलिए लगती हैं कि कल्पनाशीलता बढ़ाने में ये सब मदद करती है। ये जासूसी उपन्यास जितने हैं ना बच्चे बहुत प्रेम से पढ़ते हैं, चाहे वो अमेरिका में हो या हिंदुस्तान में, बस अंतर है अमेरिका में अंग्रेजी में पढ़ेंगे, हिंदुस्तान में हिंदी में जरूर पढ़ेंगे। चंदा मामा एक पत्रिका आती है बच्चों की, चंदा मामा या नंदन, चुन चुन के ऐसी कहानियां हैं उसमें जो उनकी कल्पनाशीलता बढ़ाती हैं, तो वो लड़ेंगे आपसे चंदा मामा चाहिए, नहीं तो ये किताब चाहिए, अमर चित्रकथा चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब आपके ऊपर है कि आप उनकी कल्पनाशीलता कितनी बढ़ा सकते हैं। 14 साल तक विशेष ध्यान रखें बच्चों का, जब तक वो कफ के असर में।